मैट्रिक रिजल्ट हुआ जारी। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर। बिहार बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अभी लाइव आकर एक नया ऐलान जारी किया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देंगे, रोल कोड रोल नंबर तैयार कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर अभी एक नया फैसला जारी हो गया है। दोस्तों जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास रोल कोड या रोल नंबर नहीं है तो आप अपने स्कूल से संपर्क करें, स्कूल से आपको रोल कोड रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को रिजल्ट चेक कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सारी जानकारी लाइव प्रूफ देंगे। बिहार बोर्ड से जो भी छात्र छात्रा या ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं का टॉपर सत्यापन के लिए कॉपी ऑफ बिहार बोर्ड अपने कार्यालय में मंगवा रही है, और साथ ही साथ छात्र छात्राओं का टॉपर सत्यापन के लिए बिहार बोर्ड के कक्ष में भी बुलाया जा रहा है। टॉपर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, रिजल्ट कुछ ही समय में आने वाला है। कैसे आपको रिजल्ट देखना है आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट को कैसे देखना है, अपने मोबाइल फ़ोन से एक क्लिक में देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट का प्रकाशन के बाद बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो जाता है, जिसके चलते बच्चों का रिजल्ट देखने में काफ़ी परेशानी होती है। पर यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जिसको आप लोगों को फॉलो करना है, रिजल्ट का एक ऑफिशियल लिंक जो जारी हुआ है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के मौजूद में, यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा उस लिंक के बारे में, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा कॉपी की मैट्रिक का परीक्षा जो है 17 फरवरी से 24 फरवरी तक लिया गया था, और 5 मार्च से 17 मार्च तक जो है कॉपियों का मूल्यांकन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे मैट्रिक में, काफ़ी मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जो है जिले में टॉपर आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपके जिले के कौन कौन स्टूडेंट्स टॉपर आए हैं नीचे मैसेज करके जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे बिहार बोर्ड की तरफ से। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। 17 फरवरी को आयोजित गणेश जी की परीक्षा में मोतिहारी, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मोतिहारी जिले में 25 केंद्रों पर प्रश्न वायरल मतलब कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, जिसके कारण जो है 24 मार्च को परीक्षा दोबारा से लिया गया था मैट्रिक के छात्रों का, ठीक है। यहाँ पर सूत्रों से मिली खबर के अनुसार इस वर्ष मैट्रिक के नतीजे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आज जारी होगा, कितनी तारीख को, आज जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। 3 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। 3 बजे रिजल्ट जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर 3 ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्ट को आप लोगों को कैसे चेक करना है आज के इस वीडियो में हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ देंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर न्यूज़र हो तो जरूर ज्वाइन करो चैनल को, कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन BSEB.in रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक कर देना है लिखकर, और यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर डालकर यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। रोल कोड कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। रोल कोड आपका जो है 76345 इस तरह का होगा, ठीक है। रोल कोड 5 कैरेक्टर का होगा, और यहाँ पर जैसे कि आपका जो है मान लीजिए कई बार 2200000, ठीक है, 57 होता है या 58 होता है या मान लीजिए 59 होता है, ठीक है। जो भी होगा आपका एक ही अंक का जो है गैप होता है, एक ही अंक से अंतर होता है, ठीक है। तो आपका जो है 22000 कुछ है या 2200000 कुछ है तो आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 2200057 है, और एक स्टूडेंट्स का यहां पर 10+10 लिख कर मतलब 20 जोड़कर, यानी अगर आपका प्लस है तो जोड़ देना है, अगर माइनस है तो घटा देना है, ठीक है। तो यहां पर लिख कर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है रिजल्ट, उसके बाद देखते हैं यहां पर जैसे लिखिएगा रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, यानी रिजल्ट 3 बजे जारी होगा, ठीक है। 3 बजे जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट को। तो अभी वेबसाइट पर जो है रिजल्ट अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर में जो है पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में पब्लिश जब होगा तो रिजल्ट को आपको 3 बजे चेक कर लेना है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो आपको, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर न्यूज़ जाना जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से डाला जाता है सबसे पहले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे।